हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट। क्लास फिफ्थ की बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। वीक है बच्चों 9, टॉपिक है आर्टिकल्स। बच्चों आर्टिकल्स ANN आर्टिकल हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, यूज़ ए इफ़ द वर्ड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? वॉवल्स होते हैं बच्चों हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अल्फ़ाबेट बच्चों ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल्स होते हैं। इनके अलावा बच्चों जो भी अल्फ़ाबेट हमारे बचे, 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, रिमेनिंग 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हमेशा हम ए का यूज़ करेंगे और वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज़ करेंगे। लेटर ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवल्स। All other letters except the 5 vowels are called consonant. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट ए एन एन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों, एलिफेंट ई हमारा क्या है? वॉवल, तो इसके साथ हमने यूज़ किया एन। इसी तरह अम्ब्रेला, यू हमारा क्या है? वॉवल, तो इसके साथ आएगा एन। ई, ई हमारा वॉवल है तो इसके साथ भी एन आएगा। इग्लू, आई, आई हमारा वोवल है तो इसके साथ भी एन का यूज़ होगा। रैबिट, आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे ए आएगा। ऑक्टोपस, ओ हमारा क्या है? ओ हमारा वोवल है तो इसके साथ भी एन आएगा। एप्पल, ए हमारा वोवल है, इसके साथ भी एन आएगा। एस, शिप, एस हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम ए यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ ए और एन टू फिल इन दी ब्लैंक्स गिवन बिलो। बच्चों ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। शी इज़ अ डॉक्टर, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ए का यूज़ करा। वी सॉ पिकॉक इन द गार्डन टूडे, हमने आज पिकॉक देखा गार्डन में। पी, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके साथ भी ए आएगा। आई रेड स्टोरी एवरी डे, एस हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ भी हम ए का यूज़ करेंगे। राम हेल्प ओल्ड मैन टूडे, ओ हमारा देखिए बच्चों कौन वॉवल है तो इसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे। द क्लास वेंट फॉर डैश पिकनिक टू द गार्डन, बच्चों क्लास पिकनिक के लिए गई है गार्डन में। पी, पिकनिक, पी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, ए का यूज़ करेंगे। आई हैड लॉट ऑफ फन वाइल प्लेइंग क्रिकेट, लॉट, एल बच्चों हमारा कॉन्सोनेंट है, ए का यूज़ करेंगे। देयर इज ऑरेंज ऑन द टेबल, ऑरेंज, ओ हमारा वॉवल है, एन का यूज़ करेंगे। माई मदर गेव मी ऑरेंज, ऑरेंज, ओ हमारा वॉवल है, एन का यूज़ करेंगे। आई हैव मीटिंग टुमारो, मेरी कल मीटिंग है तो एम हमारा कॉन्सोनेंट है, ए का यूज़ करेंगे। किटन इज़ प्लेइंग विद द बॉल, किटन बॉल के साथ खेल रहा है, के हमारा कॉन्सोनेंट है, ए का यूज़ करेंगे। तो सभी को समझ में आया बच्चों, कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनके साथ ए का यूज़ होता है और वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रूल टू यूज़ आर्टिकल दा, दा का यूज़ देखिए, दा का हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ दा विद रिवर, ओशियंस, माउंटेन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल द गंगा, द हिमालयाज, द इंडियन ओशियन। बच्चों रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स के साथ हमेशा दा का यूज़ होगा। दा इज़ यूज विद यूनिक थिंग्स लाइक द सन, द मून, बच्चों यूनिक थिंग्स के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं, लाइक द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, ठीक है। दा इज़ यूज्ड विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग लाइक ताजमहल, तो बच्चों देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती हैं, ताजमहल, इनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, द इंडिया गेट। दा इज़ ऑल्सो यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री लाइक हाइएस्ट, टॉलेस्ट, तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज़ होता है, जैसे हाइएस्ट, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब देखिए हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है। राधा वांटेड टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई हमारा वॉवल है, एन हमने यूज़ किया। आई सो एलिफेंट, मंकी एंड डियर इन दी जू, एलिफेंट, ई हमारा वॉवल है, एन यूज़ करा।
मंकी, एम हमारा कॉन्सोनेंट है ए यूज़ किया, डी या डी हमारा कॉन्सोनेंट है ए यूज़ किया। ओके नेक्स्ट, एग इज़ ओवल इन शेप, एग ओवल शेप का होता है, ई हमारा वोवल है, एन यूज़ किया। गंगा इज़ अ होली रिवर, बच्चों मैंने आप सभी को बताया कि अभी जो हमारे रिवर, ओशन और माउंटेन्स होते हैं इसके साथ हमेशा दा यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ दा का यूज़ लगेंगे, द गंगा इज़ अ होली रिवर। डैश बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो दी बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके डैश अर्थ इज़ ब्लू प्लैनेट, अर्थ, अर्थ हमारा यूनिक है तो यहाँ लिखेंगे द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। पुट प्लेट ऑन टेबल, पुट, पी हमारा कॉन्सोनेंट है ए का यूज़ करेंगे, पुट अ प्लेट ऑन टेबल, टी हमारा कॉन्सोनेंट है इसके साथ हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, पुट अ प्लेट ऑन दी टेबल। आया समझ में सभी को अच्छे से? नेक्स्ट, आई एम डैश टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में सबसे टॉलेस्ट चाइल्ड हूँ, तो टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे, दा का, तो यहाँ आएगा आई एम दिस टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास। ओके नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, आपको यहाँ एक पैसेज दिया गया है, तो आप सभी को ये रीड करना है और आंसर्स करने हैं। आई मेट अ फ्रेंड ऑन माई वे बैक होम, बच्चों घर जाते टाइम मैं अपने दोस्त से मिला, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझे हेल्प के लिए बोला। ही हैड लॉस्ट हिज रेड बैग इन द पार्क, वो अपना रेड कलर का जो बैग था वो पार्क में खो चुका था। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। आई गेव हिम अ बनाना एंड सम वाटर टू ड्रिंक, मैंने उसको बनाना दिया और पानी दिया पीने के लिए। देन वी वेंट टू द पार्क टू लुक फॉर द बैग, और फिर हम वापस से पार्क गए बैग ढूंढने के लिए। वी सॉ एन ईगल फ्लाइंग विद द बैग, वी सॉ एन ईगल, हमने देखा कि जो ईगल है वो बैग के साथ उड़ रही है, ठीक है, डैश 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 पूरा हमें डैश दिया है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हिज बैग बैक, वो बहुत खुश था जब उसे उसका बैग वापस मिला। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे बोला गया है थिंक एंड कंप्लीट द स्टोरी इन 2-3 लाइंस ऑन योर ओन, तो बच्चों आपको यहाँ जो स्पेस दिया गया है उसमें आप सभी को अब अपनी जो स्टोरी है उसे कंप्लीट करना है, सोचना है कि किस तरह से ये स्टोरी बनेगी। सर्किल द आर्टिकल ए एंड द इन द स्टोरी, और बच्चों आप सभी को सर्किल करने हैं आर्टिकल्स ए एंड द स्टोरी में। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, और सेंटेंस को आपको करेक्टली यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लाइक अ ईगल वॉज फ्लाइंग विद एन रेड बैग। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टू फ्रेंड्स इन द पार्क, और बच्चों यहाँ गिवन स्पेस में आप सभी को दो फ्रेंड्स की फ़ोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है, ठीक है, पार्क में बैठे हैं, तो इस तरह से बच्चों आप सभी को ये कंप्लीट करनी है। हमको पिक्चर सॉरी पैसेज कंप्लीट करना है, तो इसको हम लिखेंगे I hit the eagle with a stone, मैंने ईगल को पत्थर से मारा, ठीक है, the eagle left the bag, उसने बच्चों बैग छोड़ दिया, ठीक है, and he ran and picked up the bag, और उसने भाग करके अपने बैग को उठा लिया, ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? तो इस तरह से बच्चों हमने इस स्टोरी को कंप्लीट किया। अब यहाँ बोला गया है रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, अ ईगल वॉज फ्लाइंग विद एन रेड बैग, तो बच्चों देखिए ईगल, ईगल हमारा वोवल है ई, ठीक है, तो वोवल के साथ हमेशा एन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी an eagle was flying with a red bag, okay, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, लाइफ स्किल सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज इट फील When you can't hear, speak or walk properly,
बच्चों आपने कभी फील किया है कि आप अच्छे से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो कैसा फील होता है? ठीक है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक्टिविटी टुडे वी विल डेडिकेट वन डे टू द पीपल हु आर अनेबल टू हियर। बच्चों एक दिन हम उन लोगों सॉरी यहाँ हमें वॉवल्स भी जो हैं उन्हें सर्किल करने थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा अ वॉवल है, द वॉवल है, अ बनाना वॉवल है, ओके, एंड एन ईगल हमारा यहाँ वॉवल है, द बैग में द वॉवल है, यहाँ द ईगल वॉवल है, ठीक है, विद अ स्टोन अ ईगल है, द ईगल लेफ्ट द बैग, द एंड इधर भी द हमारा वॉवल है। तो बच्चों जो जो वॉवल वर्ड्स थे हम सभी ने उसको सर्किल कर दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक दिन हम सभी को जो लोग अच्छे से सुन नहीं सकते उनके लिए हमें डेडिकेट किया गया है। तो हमें क्या करना है, होल डे बच्चों हमें एवरी वन ऑफ योर क्लास और होम शुड वियर ईयर प्लग्स। हम सभी को ईयर प्लग्स पहनने हैं कानों में। राइट और टेल योर फीलिंग डिफ़िकल्टीज़ और अदर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द होल डे। तो बच्चों देखिए, आपने पूरे दिन कैसा फील किया, आप सभी अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। डिड यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी। बच्चों क्या आप मजाक उड़ाएंगे अब जो भी लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ लिखेंगे नो। पीपल विद सम डिसेबिलिटी आर लाइक अस और डिफरेंट। बच्चों वो भी हमारी तरह ही होते हैं, अलग नहीं होते, तो लिखेंगे लाइक अस। हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो बच्चों देखिए बोला गया है हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड। बच्चों आप कैसा चाहेंगे कि आप लोग आपके साथ लोग हैं जो कैसा व्यवहार करें अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो। तो सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड अंडरस्टैंड द पेन एंड डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो बच्चों अब से हमें जो पेन है, जो डिफ़िकल्टीज़ जो फेस करते हैं लोग, उन्हें समझना है। बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम, बी केयरिंग एंड लविंग टूवर्ड्स देम, और उनके प्रति हमें लविंग और केयरिंग होना चाहिए। संस्कार शाला, 29 जुलाई, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो देखिए बच्चों, जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स। तो बच्चों ये 29 जुलाई को ये इंटरनेशनल टाइगर डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि अवेयर किया जा सके कि जो हमें टाइगर्स हैं उनको कंजर्व करना है। ठीक है, दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल टाइगर डे, और इस डे को हम ग्लोबल टाइगर डे भी बोलते हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि सबसे पहले और सबसे आखिरी बात है कि हम इंडियंस हैं। ठीक है, हमें ये नहीं बोलना है कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, सबसे पहले हम इंडियंस हैं। ईट एंड ड्रिंक होम मेड फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस। एक्टिविटी मेक द मैक्सिमम वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर फ्रॉम एजुकेशन। बच्चों एजुकेशन से जितने भी लेटर्स आप बना सकते हैं, लाइक कैट, ईट, ऑन, नो एक्सेट्रा, आपको बनाने हैं। प्ले एनी गेम विद बॉल लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, टैपिंग एक्सेट्रा। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।